उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रविवार 14 जुलाई 2024 को लखनऊ में यूपी बीजेपी कार्य समिति की बैठक को संबोधित किया। कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए सीएम योगी ने कहा, यूपी लोकसभा चुनाव के नतीजे को देखते हुए कार्यकर्ताओं को हताश होने की जरूरत नहीं है और वो बैकफुट पर न आए, क्योंकि सभी ने बखूबी अपनी जिम्मेदारी को निभाया है। कभी कभी आत्मविश्वास का खामियाजा भी भुगतना पड़ता है। बता दें, लोकसभा चुनाव 2024 में बीजेपी को हुए नुकसान के बाद ये बीजेपी कार्य समिति की पहली बैठक थी। बैठक में सीएम योगी ने कहा कि सभी के सहयोग से हमारी सरकार ने सूबे को माफियाओं से मुक्त किया है और आज सुरक्षा का माहौल है। पहले मुहर्रम में ताजियों के नाम पर घरों को तोड़ा जाता था, लेकिन अब किसी भी तरह की मनमानी नहीं चलती है। योगी आदित्यनाथ ने संबोधन के दौरान कहा कि एक बार बुंदेलखंड के चित्रकूट में गया था तो वहां के अधिकारियों से पूछा कि चित्रकूट में सबसे अच्छे होटल और धर्मशाला क्यों नहीं बन रहे हैं, तो बताया गया कि अगर कोई यहां निवेश करेगा तो उसका अपहरण कर लिया जाएगा। मैंने साफ कर दिया कि अगली बार यहां तब आऊंगा जब यहां डकैतों से मुक्त हो जाएगा। आज न सिर्फ चित्रकूट बल्कि पूरा बुंदेलखंड गुंडों और माफियाओं से मुक्त हो चुका है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने इस दौरान विपक्षी दलों पर जमकर भी निशाना साधा। वो बोले, यूपी में गुंडों और माफियाओं से मुक्त कराने का काम तो पहले ही हो जाना चाहिए था। देश 1947 में आजाद हुआ था, लेकिन तब से कोई सख्त कदम नहीं उठाया। आपको बता दें, लोकसभा चुनाव 2024 में भारतीय जनता पार्टी को यूपी में तगड़ा झटका लगा है। यहां बीजेपी की सीटें घटकर 33 रह गई हैं। वहीं समाजवादी पार्टी ने सूबे की 37 सीटों पर जीत का परचम लहराया है। वहीं कांग्रेस के खाते में भी 6 सीटें आई हैं और उसने अपने प्रदर्शन की बदौलत सूबे में अपनी वापसी सुनिश्चित कर ली है। ANP टाइम्स की रिपोर्ट।